तो जैसे ही दोस्तों आपको बड़ी खबर पता चली गई होगी मेरे पोस्ट के द्वारा कि GTS 2 एंड GTR 2 विद GTS 2 मिनी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं, तो Flipkart ने टीज भी करना शुरू कर दिया है GTR 2 के लॉन्च का, जिसकी डेट है 17th of December। तो GTR 2 पहले आ रही है और मुझे GTR 2 ज्यादा बेटर लगी है। मैंने आपको जो पिछला वीडियो अपना दिखाया था जिसमें GTS 2 एंड GTR 2 के फीचर्स बताए थे, तो GTR 2 मुझे ज्यादा बेटर लग रही है GTS 2 से। अब अगर किसी की प्रेफरेंस अगर रेक्टेंगुलर शेप डायल है तो वो जा सकता है GTS 2 के ऊपर। तो आज जो है दोस्तों, अब जब इतनी चीजें अनाउंस हो ही गई हैं, तो मैंने कहा अब इनका भी कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। तो आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं इसका, जो अभी तक की मेरी फेवरेट वॉच है और काफी अच्छे से मार्केट में उसने पकड़ बना के रखी है Honor Magic Watch 2 के साथ। तो देखते हैं कि इन तीनों वॉचेस में से कौन सी वॉच लेना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं बताऊं तो मैं Honor Magic Watch 2 का दोनों के साथ ही कंपैरिजन कर रहा हूं, तो एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सी वॉच लेना ज्यादा बेटर रहेगा, Honor Magic Watch 2 या फिर GTS 2 या GTR 2। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो से, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। पहले दोस्तों प्राइस रेंज की बात करते हैं, तो GTS 2 जो कि 42mm वेरिएंट में आ रही है उसका लगभग प्राइस रहेगा 10,500 से 11,000 रुपये। GTR 2 उससे थोड़ी महंगी होने वाली है, स्पोर्ट्स मॉडल उसका 10,500 से 11,000 में ही रहेगा, लेकिन क्लासिक 11,500 से 12,000 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। Honor Magic Watch 2 भी करंटली चारकोल ब्लैक आ रहा है 11,999 और फ्लैक्स ब्राउन 13,999, और इन दोनों का ही प्राइस 2,000 रुपये कम हो जाता है सेल के टाइम पे। कलर्स की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेस में आपको दो दो कलर अवेलेबल देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा कलर्स नहीं डाले कंपनी ने। स्क्रीन साइज़ में सबसे बड़ी स्क्रीन आपको GTS 2 की देखने को मिलती है रेक्टेंगुलर शेप की वजह से 1.65 इंचेस की। कंपैटिबिलिटी में तीनों ही वॉचेस एंड्रॉयड और iOS को सपोर्ट करती हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो तीनों में ही एमोलेड डिस्प्ले है और रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन रेटिना डिस्प्ले इसमें आपको GTS 2 एंड GTR 2 में देखने को मिल रहा है 450 nits की ब्राइटनेस के साथ। तो आउटडोर विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट तीनों वॉचेस में है। स्किन प्रोटेक्शन में Honor ने स्पेसिफाई नहीं किया है, और वहीं GTS में और GTR में आपको 3D टेम्पर्ड ग्लास मिल रहा है विद एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ, तो इससे आपकी जो आउटडोर विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, उस पर हाथों के निशान नहीं छपेंगे, आप क्लियर डिस्प्ले को देख पाएंगे। बॉडी टाइप की बात करते हैं तो GTS 2 सिर्फ एलुमिनियम में आ रही है, और GTR जो है उसका स्पोर्ट्स मॉडल एलुमिनियम में और क्लासिक मॉडल स्टेनलेस स्टील में मिलता है, और वहीं पे Honor Magic Watch 2 जो है स्टेनलेस स्टील केस के साथ आ रही है 316L के साथ, और बैक उसकी सिरेमिक है। तो बॉडी तीनों की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड देखने को मिलेगा। स्ट्रैप में तीनों में ही आपको नॉर्मल 22mm का स्ट्रैप देखने को मिलता है। वेट की बात करते हैं तो 25 ग्राम आपको मिल रहा है लाइट वेट जो है GTS 2, उसके अलावा 32 एंड 39 ग्राम GTR, 41 ग्राम से Honor Magic Watch 2। नोटिफिकेशंस में आपको तीनों ही वॉचेस में इनकमिंग कॉल, SMS, WhatsApp, Facebook एंड अदर एप्लीकेशंस को देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो कैमरा कंट्रोल देखो कहीं भी मेंशन नहीं किया है GTS और GTR ने, पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन GTS 2 मिनी में वो देखने को मिलता है। उसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल है तीनों ही वॉचेस में, और इसके साथ साथ इसके अंदर मेक और आंसर कॉल की भी फैसिलिटी है तीनों ही वॉचेस में। ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं तो Honor में 5.1 है, बाकी दोनों में 5.0, तीनों ही अच्छे ब्लूटूथ वर्जन है। वाईफाई का सपोर्ट जो है GTS एंड GTR में देखने को मिल रहा है, लेकिन Honor में नहीं है। प्रीसेट क्विक रिप्लाइज जो है स्पेसिफाई नहीं किया है GTS एंड GTR ने, बाकी वो Honor में हमें देखने को मिलता है। इंटरनल मेमोरी तीनों में ही 4GB है, जबकि अराउंड 3GB अवेलेबल होगी स्टोरेज के लिए, जिससे आप स्ट्रॉन्ग स्टोर कर सकते हैं अपनी वॉच में, और आप कहीं भी वॉच पहन के जा सकते हैं, फ़ोन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्लूटूथ हेडसेट से कनेक्ट करके गाने सुनिए। ये फैसिलिटी GTS एंड GTR और Honor तीनों में ही अवेलेबल है, बस Honor में जो अवेलेबल मेमोरी है वो 2.5GB के करीब है। तीनों में ही मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट है। सबसे बड़ी बैटरी यहाँ पे GTR 2 में देखने को मिलती है 471mAh, 14 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम करते हैं, और सिमिलर बैटरी ही 455mAh की हमें Honor में देखने को मिलती है। और GTS 2 ने बैटरी में मुझे काफ़ी निराश किया, 246mAh है, सिर्फ 7 डेज का बैकअप है। बिल्ट इन GPS की बात करते हैं तीनों में ही अवेलेबल है ड्यूअल GPS सपोर्ट, GPS एंड ग्लोनेस। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में तीनों ही 5 ATM है, मतलब 50 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं आधे घंटे के लिए स्विमिंग के लिए, तीनों ही वॉचेस आइडियल हैं। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर तीनों में अवेलेबल है। स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो GTR एंड GTS में 12 हैं, और वहीं पर 15 हैं मिल रहे हैं हमको Honor में, जिसमें वॉइस गाइडेड स्पोर्ट्स मोड भी है। अदर फीचर और सेंसर की बात करते हैं तो GTS एंड GTR में आपको बायो ट्रैकर PPG2 का अपडेटेड सेंसर मिल रहा है, जिससे आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होने वाली है। एक्सेलरोमीटर है, जियोमैग्नेटिक सेंसर मतलब कंपास है, एयर प्रेशर मॉनिटर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, स्ट्रेस मॉनिटर जो आजकल बड़ा चाहिए होता है, साथ में एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है। तो वॉइस असिस्टेंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा है दोस्तों, आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वॉच को कमांड दीजिए, कोई भी नंबर डायल करना है, छोटी मोटी कमांड्स ऑपरेट करने सब कर सकते हैं। वहीं Honor में आपको सेंसर्स तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जैसे
कि एक्सेलरेशन, गायरोस्कोप, बैरोमीटर, मैग्नेटोमीटर और एल्टीमीटर, और साथ में एक पर्सनलाइज्ड वॉच फेस का है कि जब भी आप वॉच को ऊपर उठाएंगे, रिस्ट को ऊपर उठाएंगे, तो आपको एक नया वॉलपेपर देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन सी वॉच किस में आ गया। तो GTS 2 में आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है, रेटिना डिस्प्ले मिल रहा है, 3D टेम्पर्ड ग्लास है, एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ, लाइट वेट और वाईफाई भी लगा हुआ है, वॉइस असिस्टेंस है, लेटेस्ट सेंसर्स हैं ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के लिए। वहीं ऑनर मैजिक वॉच 2 कहीं ज़्यादा स्टैंड नहीं कर पा रही है, ब्लूटूथ है 5.1, बड़ी बैटरी और बैकअप क्लेम करती है, ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है विद वॉइस गाइडेंस के साथ में। तो अब बात करते हैं GTR 2 और ऑनर मैजिक वॉच 2 की। तो GTR 2 में भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस डिस्प्ले इनका बराबर है, स्क्रीन साइज है। तो इसमें रेटिना डिस्प्ले, 3D टेम्पर्ड ग्लास विद एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग, लाइट वेट, वाईफाई, वॉइस असिस्टेंट, लेटेस्ट सेंसर, और मैजिक वॉच 2 में वही ब्लूटूथ और ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड है वॉइस गाइडेंस के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वर्डिक्ट क्या कहता है। अब अगर हम GTS 2 के साथ बात करते हैं ऑनर मैजिक वॉच 2 की कंपैरिजन की, तो GTS 2 बड़ी स्क्रीन दे रहा है, रेटिना डिस्प्ले लगा के दे रहा है, उसके अलावा जो इसमें देखने को मिल रहा है एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग वाला ग्लास है, 3D टेम्पर्ड ग्लास है जो कंपनी क्लेम करती है, तो इससे आपकी आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स जो है वो नहीं होंगे। उसके साथ साथ इसमें वाईफाई है, वॉइस असिस्टेंस है, तो वॉइस असिस्टेंस की मदद से आप मतलब हैंड्स फ्री, आप फोन को आपके जरूरत ही नहीं है हाथ में रखने की, आप सीधा वॉच को कमांड दीजिए, ओके गूगल ये नंबर मिला दो यार, तो काफी जो फीचर्स है वो आप ऑपरेट कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो है ज्यादा अच्छे लेटेस्ट सेंसर्स, क्योंकि काफी टाइम बाद ये वॉच लॉन्च हो रही है, तो इसमें जो अपडेटेड सेंसर्स कंपनी ने लगा के दिए हैं बायोट्रैकर PPG 2 है, तो हार्ट रेट की एक्यूरेसी और जो स्लीप मॉनिटर की एक्यूरेसी इसमें आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। सेम चीज जो है, सेम सारी चीजों में GTR 2 भी आगे है, बस डिस्प्ले जो है, जो स्क्रीन साइज है वो जो है इसका सेम है ऑनर मैजिक वॉच 2 के जितना ही है। उसके अलावा आपको इसमें ज्यादा वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एल्युमिनियम बॉडी लेनी है तो वो ले लो, स्टील लेनी है वो ले लो, स्ट्रैप आपको कौन सा चाहिए वो ले लो। तो मुझे जो GTR 2 है इसकी बैटरी भी काफी अच्छी है, GTR 2 जो है ज्यादा अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा है, बिल्कुल ऑनर मैजिक वॉच 2 की टक्कर की बैटरी है, तो मुझे इसलिए GTR 2 ज्यादा पसंद आ रही है एज कम्पेयर टू GTS 2 के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्लियर कट विनर की, तो अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि जो दोनों वेरियंट है GTS एंड GTR वो लगभग 13,000 की रेंज में आपको मिलने वाले हैं, और जबकि ऑनर मैजिक वॉच 2 है वो ब्लैक वाला जो उसका वेरियंट है सिलिकॉन स्ट्रैप वाला वो 10,000 का हो जाता है सेल के अंदर। तो अगर आप ज्यादा पैसे भर रहे हैं दोस्तों, तो आपको फीचर्स भी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, और जो मैं लुक्स की बात करता हूँ, जो GTS 2 की लुक है कतल है, GTS की जो लुक्स पहले जो वन मॉडल था उसकी बहुत जबरदस्ती, और इस वाले मॉडल की भी लुक्स जो है काफी अच्छी है। तो आप इन वॉचेस के ऊपर जा सकते हैं, मेरे हिसाब से अपग्रेड ही आपको मिलेगी वॉच, ज्यादा अच्छे सेंसर्स मिलेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको यूज कर पाएंगे काफी अच्छे से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानने में जरूर मदद मिली होगी कि कौन सी वॉच आपके लिए लेना ज्यादा बेटर है। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कौन सी वॉच अच्छी लगी, आपको कोई और क्वेश्चन या सुझाव है। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।